ओके गाइस, आपने प्रोडक्ट तो देखा है यार, कैसा लगा आपको प्रोडक्ट? बाकी अपने बाल मैं आपको एक बार ही दिखाता हूँ कि कितने लंबे चल रहे हैं एंड क्यों मैंने ये स्ट्रेटनर मंगाने का सोचा। सो अब यहाँ पे बाल मेरे चेकआउट करोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भाई यहाँ तक के बाल हैं, यहाँ तक के बाल हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि ये बाल आप चेकआउट करो, ये स्ट्रेट नहीं है, बहुत ज़्यादा वेवी हेयर्स हैं। इसमें अड़ंगे भी काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं, हेयर काफ़ी टूटने वाला है। ओके तो भाई हमने कर दिया है पार्ट एंड अब हम एक तरफ का करके देखते हैं कि क्या होता है एंड जिससे आपको दोनों तरफ के बारे में करते हुए अंदाज़ा हो जाएगा। सो इतना हेयर लिया, ये लाइट जो है वो यहाँ पे हो गई है स्टेबल एंड मैं अब अपने बालों के ऊपर ये मार रहा हूँ। ओके भाई ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। सो बाल इतने ज़्यादा गर्म हो रहे थे कि यार मैंने ग्लव्स पहन लिए, तो ग्लव्स आपके प्रिकॉशंस के लिए यहाँ पे दे रखे हैं तो प्रोटेक्शन काफ़ी सही हो जाती है, क्योंकि जब आप गर्म बालों को इस तरीके से पकड़ते हो तो हाथ सड़ने के चांसेस रहते हैं। तो मार रहे हैं एक बारी दोबारा एंड देखते हैं ग्लव्स के साथ क्या पता चलता है। ओके गर्म तो है बट ग्लव्स के साथ मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा यहाँ पे सिर्फ 20% आपको फील हो रहा है कि हाँ बाल गर्म है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हीटअप जो है वो आपके बालों को यहाँ पे कर देता है ये मशीन एंड जिसकी वजह से आपके हाथ सड़ सकते हैं। तो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, तो वो प्रिकॉशंस ले के चलें ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके ये वाला पार्ट आप देखोगे हमारा कुछ हद तक आगे वाला पार्ट जो है वो मैंने करा है। अभी ये पीछे वाले बाल तो काफ़ी सारे बचे हुए हैं एंड इस तरफ के बाल भी बचे हुए हैं, तो आप चेकआउट करो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको लग रहा होगा स्ट्रेट है। मेरे को ये नीचे वाले पार्ट लग रहे हैं थोड़े से कि यार ये स्ट्रेट होते हुए नहीं दिख रहे मुझे, बट यहाँ से यहाँ तक प्रॉपरली स्ट्रेट है क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई पकड़ने का ऑप्शन नहीं है, तो नीचे तक आते आते वो थोड़ा सा रह जाता है ऐसा फील हुआ मुझे। बाकी एक बार ही सारे बाल करते हैं एंड देखते हैं सारे बाल करने के बाद जो है फिर कैसी लुक आती है।